तो आइए स्टूडेंट्स कुछ अब ऑब्जेक्टिव सवाल बनाते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड में लिखा हुआ है ए और बी तत्व द्वारा निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत, जिसमें ए ध्यान दीजिएगा ए परमाणु जो है वो केंद्र पर है और परमाणु जो बी है ये बी ये कहां है तो फलक पर है। तो आपको बताना है कि यौगिक का सूत्र क्या है, बस इसी दो केवल चीजों को समझ लेना है, ए कहां है बी कहां है, आसानी से इस सवाल का आंसर हो जाए। तो हम लोग समझ पा रहे हैं प्रश्न से कि एक एकल कोष्ठिका है, इस एकल कोष्ठिका में जो परमाणु ए है आपका ए परमाणु ए केंद्र पर है और बी फलक पर, सॉरी यहां पर परमाणु नहीं है कोई केंद्र पर है, ये केंद्र पर है ए और बी जो है फलक पर है, यहां पर है बी यह है बी। तो फलक की संख्या कितनी होती है, फलक की संख्या होती है छह और छह का एक बटा दो हिस्सा ही रहता है तो फिर तीन और केंद्र रहता है, केंद्र कितने होते हैं एक और उसको होते हैं एक परमाणु इसलिए एक। तो बी की संख्या हो गई तीन, ए की संख्या हो गई कितनी एक, इसलिए सूत्र हुआ ए एक और बी थ्री। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पहला सही है हो गया। दूसरा प्रश्न है एक सीसी जालक में परमाणु ए कोने की जगह और परमाणु बी फलक केंद्रित है, यदि फलक केंद्रित है परमाणु में से कोई एक परमाणु बी न रहे तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। ध्यान दीजिएगा हमें समझना होगा कि परमाणु ए कहां पर मौजूद है, तो परमाणु ए मौजूद है कोना में और परमाणु बी कहां है तो परमाणु बी हम देख पा रहे हैं कि परमाणु बी है फलक पर। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि फलक केंद्रित परमाणु बी में से एक परमाणु जो है ना एक परमाणु जो बी है वो नहीं है, मतलब अपने जगह से हट गया, तो उस स्थिति में आपको बताना है कि यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले हम चित्र का सहायता लेते हैं और चित्र से समझते हैं कि क्या इसका सही जवाब क्या होगा। कि कोना पर प्रत्येक कोना पर आठों कोना पर परमाणु ए है, तो इस तरह से हम परमाणु ए की संख्या निकाल सकते हैं, ये परमाणु ए है परमाणु ए की संख्या कितने कॉर्नर है एट वन बाई एट इक्वल टू वन, ये तो कंफर्म हो। परमाणु बी कहां है तो फलक पर है, देखिए प्रश्न में दिया गया कि एक स्थान से बी जो है गायब हो जाता है, तो मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहां से परमाणु बी हट गया तो अब हमारे पास परमाणु बी की संख्या हमारे पास परमाणु बी कितने बचे, अब छ बजाय पांच बचे और कितना ऐसा एक बटन दो हो गया फाइव बाई टू, तो हम देख रहे हैं कि ए हो गया वन बी हो गया फाइव बाई टू, इसलिए सूत्र हुआ ए वन बी फाइव बाई टू। हम देख पा रहे हैं कि इसमें से कोई चॉइस इस तरह से नहीं है, वास्तव में टू से मल्टीप्लाई कर दिया गया
तो टू से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए कितना दो, और जैसे इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा फाइव। तो इस तरह से हो गया ए टू डी फाइव, मतलब सही जवाब है डी। अगला क्वेश्चन हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, इसको मिस कर बोलता